हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन लाइन्स एंड प्रिंस से लेके आए हैं। ठीक है, अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है और एक दो बार देखा गया है अभी रिसेंट में। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अच्छा इसलिए मैंने उठा लिया। ठीक है, दो मार्क्स के लिए है, लेकिन लाइन्स एंड प्रिंस में अगर दो मार्क्स एक मार्क्स से क्वेश्चन करते हो ना, कोई चार मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, चार मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको पहले ये आना चाहिए, क्योंकि बेसिक इसमें बहुत ही प्यारा बेसिक्स है। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छे चैप्टर्स है ये। ठीक है, ऐसा लगता है कभी कभी कि ये चैप्टर एक्चुअली हम विजुअलाइज कर रहे हैं पूरा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं आप डायरेक्ट कर रहे हो, इसमें सारी चीजें विजुअलाइज होगी। जैसे सुनो, अभी यह बोला गया है कि एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है, और ये इक्विडिस्टेंस है बोलते हैं, इससे ये हमें शो करना है। ठीक है, ये एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली ये प्लेन का इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ आर बार एन का कैप, ठीक है, इज इक्वल टू पी। तो ये पी उधर जाके -13 बस। ठीक, चलो, तो इसे करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो वेक्टर इक्वेशन से निपटा दूंगा मैं। ठीक है, और दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही प्यारा है, वो हमें करना होगा विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। तो मैं पहले आपको वेक्टर इक्वेशन से थ्रू फॉर्मूला करके देता हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं करके दूंगा अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करूंगा, फिर कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप मुझसे डिस्टेंस पूछो, अगर मैं बोलूं कि लेट पॉइंट ए बी 1, 1, 1, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी। ठीक है, वैसे भी लिखे कुछ चले। ठीक है, एंड पॉइंट बी पी -3, 0, 1, इतना भी लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली ए बार लिख हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और बी बार लिख हो गया -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। ठीक, चलिए यहाँ अगर आप मुझसे फॉर्मूला पूछोगे बेटा, ठीक है, तो वो बहुत ही आसान है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ इस प्लेन को कुछ पॉइंट दे दो, पॉइंट को नाम दे दो, सपोज एम दे देते। ठीक है, ए एम और बी एम निकाल सकते हैं आप डिस्टेंस। ठीक है, तो आप मैं डिस्टेंस d1 बोलूंगा। ठीक है, यहाँ बोल देता हूँ मैं d1 और यहाँ बोल देता हूँ डिस्टेंस d2। ठीक है, तो d1 अगर चाहो मैं तो क्या निकालूंगा, आप देखो d1 यहाँ हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ a बार डॉट n बार, ठीक है, प्लस d अपॉन n बार का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होता है आपका इक्वेशन यहाँ d1। ठीक है, मतलब इस तरीके से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, क्लियर, फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते। अब यहाँ ये और वो मल्टीप्लाई करना होगा, तो n क्या है, ये है बेटा एन बार। अगर आप पूछो मुझसे 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, -12k कैप। ठीक है, देखो 1 × 3 पॉजिटिव का 3। ठीक है, फिर ये 4 × 1 प्लस 4। ठीक है, और यहाँ -12 × 1 -12। ठीक है, और d कितना आ गया बेटा, d आपका आ गया यहाँ 13, क्योंकि 13d है। ठीक है, तो चलिए 13 लिखते हैं अपॉन एन बार लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड बोला गया, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का प्लस 144। तो इसका आधा टोटल रूट 169 और 169 का आधा बेटा 13। तो यार डायरेक्टली मैं रूट 169 लिख के नीचे 30 लिखूंगा। ठीक है, इनका मेरे हिसाब से -8 आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया मैंने पहले ये। ठीक है, इसलिए आपको जल्दी बता रहा है, बहुत स्पीड से नहीं लिया। ठीक है, चलिए ये डी वापस लिखना चाहूँगा, बहुत ही गंदा हो गया ये। ये हो गया आपका d1। देखो कैसे आया, माइनस का आइडिया ना पॉजिटिव एट आएगा, एक्चुअली यहाँ तो मॉड है ना, मॉड के कारण इसका आंसर जो है ना पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल टू 8/30। ठीक है, कैसे बदल दो, देखो एक मिनट है, देखो इसका माइनस प्लस 1 आएगा, इसका 7 और इनका प्लस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव 8 आएगा, माइनस आएगा भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव बाहर निकल के तो पॉजिटिव होता है ना मॉड से, कोई भी आप भूल जाते सबके ना, मॉड बहुत ही अच्छा है। d2 इज इक्वल टू a बार डॉट n बार प्लस d अपॉन n का मैग्नीट्यूड, और यार a की जगह b है, देखो कि डिस्टेंस b से निकालना है, फॉर्मूला ये वाला याद ही नहीं लिख दिया, एक्चुअली होना चाहिए b। ठीक है, रट्टा फॉर्मूला मार देना, जब ध्यान में रह जाता तो एक ही हिसाब से ये वो दिया होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका -9 इसका 0 इसका -12। ठीक है, -9 0 -12 -9 0 -12। ठीक है, किसे भूल रहे हैं, डी को भूल रहे हैं, प्लस 30 तो लिख लो, इसका आंसर भी 80 आएगा, टेंशन मत लो। और ये तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना,
169, इस बार डायरेक्टली 30 लिखूंगा क्योंकि हमें पता है। और ये 8 आएगा, माइनस 8 आएगा शायद, इस बार बड़ा नंबर है इसका, माइनस 21 प्लस 13, तो माइनस 21 में से 13 गए तो माइनस 8 है ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव 8/9, तो D2 आ गया 8/13, ये आपका है आंसर, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपका D1 और D2 इक्वल आ गया, इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं कि दे आर इक्विडिस्टेंट। तो लास्ट में लिखना, देयरफॉर द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन, ऐसा का ऐसा, ठीक है। चलो समझ गए, नोट कर लो।